Brought to you by Biz Analyst by Khatabook. एक तरफ जहां पंजाब में सियासी पारा हाई है, तो वहीं पोलिंग बूथ में घुसने की वजह से सोनू सूद कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। पंजाब में फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर चल रहा है। रविवार को राज्य की 117 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था। इसी बीच सोनू सूद अलग अलग पोलिंग बूथ जा रहे थे, जहां चुनाव आयोग ने उन्हें रोक दिया और साथ ही मोगा पुलिस ने उनकी कार भी सीज कर ली। बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से ही कांग्रेस प्रत्याशी बनकर चुनाव में लड़ रही है। ऐसे में सोनू भी पिछले कई दिनों से अपनी बहन के साथ चुनाव प्रचार में नजर आ रहे थे। तो वहीं अब पंजाब में वोटिंग के दिन सोनू मोगा के अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे थे। खबरों की माने तो शिरोमणि अकाली दल ने सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें लेकर कहा गया है कि वो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पोलिंग बूथ जा रहे थे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को बूथ पे जाने से रोकने के साथ ही उनकी कार भी सीज कर ली है और उन्हें फिलहाल दूसरी गाड़ी से घर भेज दिया गया। इसके साथ ही सोनू को वोटिंग तक घर से बाहर ना निकलने के आदेश दिए गए हैं। मोगा जिले के पीआरओ प्रभदीप सिंह ने एएनआई से बात करते हुए ये कहा कि सोनू सूद पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर वो अपने घर से बाहर कदम रखेंगे। हालांकि सोनू सूद ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बहन मालविका सूद को वोट देने के लिए किसी से भी नहीं कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मतदान केंद्रों के बाहर लगे कांग्रेस बूथों का दौरा कर रहे थे, क्योंकि मोगा से दूसरे प्रत्याशी वोटर्स को उन्हें वोट देने के लिए पैसे दे रहे थे और उन्हें खरीद रहे थे। इसे लेकर सोनू ने एक ट्वीट भी किया। उनका कहना है कि वो इसीलिए ही पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे थे। देखिए, कुछ हमारे बूथ है वहां पर बहुत सारे लोग, 3-4 गाड़ियां जो थी अकाली की, आके उन्होंने थ्रेटन करना शुरू किया, गालियां वालियां देनी शुरू की वहां पर, और काफी उनकी लैंग्वेज सही नहीं थी। तो जो उन्होंने हमें फोन किया तो हमारा फर्ज बनता जाके देखें, और ये भी हमें पता चला कि बहुत सारे बूथ्स पे ये लोग पैसे बांट रहे थे। और हमने उसकी, मैंने ट्वीट भी किया है इलेक्शन कमीशन को, हमने उसकी शिकायत भी लगाई है कि उसको रोका जाए और फेयर इलेक्शन हो। जो भी इलेक्शन होने चाहिए, सही होने चाहिए, सच्चाई के साथ होने चाहिए। जब बोलते हैं ना कि हार सामने दिखती है तो बौखलाहट मच जाती है, तो शायद इसलिए वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। बट फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई होती है उसकी जीत हमेशा होती है, और वी आर वेटिंग कि सच के साथ इलेक्शंस हो और फेयर इलेक्शंस हो। बता दें कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सोनू सूद की बहन और मोगा शहर से कांग्रेस की प्रत्याशी मालविका सूद को समर्थन देते हुए एक वीडियो जारी किया था। हालांकि अकाली दल के आरोपों के अनुसार सोनू पोलिंग बूथ पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सोनू की माने तो वो वहां इसीलिए गए थे क्योंकि वहां दूसरे प्रत्याशी वोटर्स खरीद रहे थे। बूथ पर इन्हीं सब चीजों का दौरा करने के लिए वो वहां गए थे। खैर, जो हो सो हो। देखने वाली बात तो ये होगी कि मोगा की जनता अगले 5 साल तक के लिए सोनू की बहन मालविका सूद को चुनती है या नहीं।